मेरे पास उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था, तो इनने यूं की थी कि धर्मेंद्र भाई मेरे पास आओ मोबाइल में दिलवाऊंगा तुम्हें। अरे भैया कैसी लगी वीडियो? अरे वीडियो नहीं गाड़ी कैसी लगी? इनके बारे में धर्मेंद्र भाई कुछ बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा, यू ही बोले। आज मेरी जिंदगी को सबसे बड़ो दिन है। मैं जल्दी सुबह नहा धो के निकल लियो है और घर का भी नहा धो के आ रहा है। पापा मम्मी और तुम्हारी भाभी। इंदौर इंदौर कहीं करेगा? अब यही मत पूछिए कहीं करेंगे। तुम कहाँ जा रही? हम इंदौर जा रहे। चलो कहीं करोगी माँ? घूमबा करवा जा रहे। हाँ बैठ गया, ये ड्राइवर है तो ये नहीं है पर ड्राइवर पे। अच्छा नया नया ड्राइवर है, पहली गाड़ी ली बेचारा चलाने के लिए। चलो ठीक है, अब हम निकल रहे हैं इंदौर और वहीं किसी के तल के दम पता चलेगी कि काय के लिए जा रहे हैं। चलो हम अब ओमनी में बैठे हैं, अपना ड्राइवर है, अब हम जा रहे हैं। यो गाड़ी ऐसे चला रही हो कि मैं डर लग रही हूँ। गाड़ी और घुड़ घुड़ कर रही बार बार। ये हमारे गाँव के बाहर का भगवान हनुमान जी, जय भगवान। ठीक है चलो, अब यहाँ से बैठांगा नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ से बस में बैठांगा और बस में बैठ के फिर इंदौर। तो आज मेरी जिंदगी को सबसे बड़ो दिन है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी और इतना बड़ा तो सपना भी नहीं देखने की हिम्मत थी कि मैं ऐसा करूँगा। और तुम सबकी वजह से आज सपनों साकार हो रहे है और मैं आज यहाँ तक जो भी है सब तुम्हारी वजह से है। और मम्मी पापा और सब जा रहे हैं इंदौर, उन्हें मैंने यानी बताई काय के लिए जा रहे हैं। सब वहीं जाके पता चलेगी और तुम्हें भी वहीं जाके पता चलेगी काय के लिए चल रहे हैं। तो बने रहो सफर में। हेलो, तो गाइस हम नरसिंहगढ़ आ गए हैं। गाड़ी का टायर चेंज हो रहा है। ये धर्मेंद्र भैया के मम्मी पापा हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपके पुत्र धर्मेंद्र जी बिलोटिया गाड़ी ले रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और कैसा लग रहा है? अच्छी बात। कितनी खुशी है आपके मन में? बहुत खुशी। आप कुछ कहना चाहोगे? खूब खुशी है अपने तो। खूब खुशी थे मतलब कहीं कुछ, मतलब उनके लिए दो लाइन या दो शब्द कुछ भी। क्या बात है। ये अभी हम होटल के अंदर है, खाने के लिए आए। गाइस तो हम यहाँ से निकल चुके हैं होटल पे। ये श्याम भैया जा रहा है और भैया सबने पापा से की कि अरे तुम कुर्तो पजामो पहरो, तो पापा ने की है मैं पजामो वजामो नहीं पहरूंगा, मैं तो धोती पहरूंगा। तो सबके कहने के बाद भी यहाँ अपन पे नहीं जाएंगे पजामो वजामो, तो उनके लिए फिर धोती मंगवाई, तब उनने धोती पहनी। आज पाल नु के आ रहे कुर्तो मुर्तो नहीं, मैं तो शर्ट पेंट दिलवा दो, पर हाँ श्याम भैया ने कही कि नहीं कि लिप्पा के और राजपाल के दो ही कुर्तो पजामो अलग दिखने चाहिए। ये पापा ने शोरूम के अंदर जाके गदर कर दी। जैसे मतलब हम वो एंट्री वेंट्री वाली वीडियो बना रहा था, तो पापा 10-15 मिनट हो गया तो उन्होंने कहा कि हो गए फोटो वीडियो हो गए, यो काम करो और हटाओ, एक तरफ ये गाड़ी की पूजा वूजा करो और काम खत्म करो। तो सब शोरूम वाला ने लगे और आपके पिता तो आपके पिताजी तो गुस्सा हो गए, चलो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। पापा है पुराना ख्यालात का, उन्हें फोटा फाटी है वीडियो वीडियो पसंद नहीं है, तो यह कारण सबसे पहले उनके साथ फोटो खींच के और मतलब कम से कम आधा एक घंटा तक भी वहाँ रिया, फिर उन्हें गाड़ी में बिठा के होटल पे छोड़ दिया। जेके बाद में हम जितना भी सारा था सबने फिर फोटो वोटो लिया। मैंने कहा अगर इन्हें ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रह क्या तो ये गदर कर देगा फिर। तो यह कारण सबसे पहले उनका फोटो वोटो खींचा वीडियो बनाई और फिर उन्हें होटल छोड़ दे, जेके बाद फिर हमने फोटो खींचा फिर सबने वीडियो बनाई।
फूल चढ़ाना भगवान। पिताजी को काम अलग है क्योंकि उनके सामने अपन नहीं बोल सका भैया, यह कारण अपन भैया चुपचाप रहे, वे जो के दे जो सही। मेरे साथ चाय सुट्टा बार के आनंद भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोकेश भैया जुड़ चुके हैं, राहुल भैया कहाँ है? हर साल एक गाड़ी ऐसे हमारे से लेके जाते हैं। आनंद भैया आप धर्मेंद्र भैया को कितनी बधाइयां देना चाहते हैं? बहुत सारी बधाइयां, ट्रक भर के बधाइयां देना चाहते हैं हम इनको, और ऐसे ही आगे दिन दुगनी चार मतलब तरक्की करते रहे हमारे धर्मेंद्र भाई। ऐसे ही भाई चाहिए मुझे जो ट्रक भर के बधाइयां दे, तो फिर दो तीन मकान और बनाने पड़ेंगे। दो मकान बना लो हमारे जल्दी, दो तीन रूम खोलना पड़ेगा मकान में मार के। लोकेश भैया आप क्या कहना चाहते हैं? अरे दिल से पूरी बधाई भाई, हमारा हमेशा यही तरक्की करता रहे और गाँव का नाम रोशन करे, जिला का नाम रोशन करे। जब मैंने शुरुआत करी थी इंस्टाग्राम से, तब से लोकेश भाई मेरे से जुड़ा है। मेरे पास उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था, तो इनने यूं की थी कि धर्मेंद्र भाई मेरे पास आओ, मोबाइल में दिलवाऊंगा तुम्हें। अरे भैया यार, भैया अपना बताइए, दिल की बात है वो तो। चलो राहुल भैया आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं बोलने पड़े यार, ये तो टेंशन में डाल दिया। बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब धर्मेंद्र भाई ने आज गाड़ी से बहुत दिल खुश हो गया। बहुत बहुत बधाई हो धर्मेंद्र भाई को। तो ये राजपाल भी आए, इनके बारे में धर्मेंद्र भैया कुछ बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा, यो ही बोले। तो राजपाल भी आप क्या बोलना चाहते हो? एक नंबर काम करियो। जीव नहीं नरी नहीं है नहीं आगे वाले तो ड्राइवर का मेरे बेटो। तो ये शाम भी आए और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आज धर्मेंद्र भैया को क्या बोलना चाहते हैं? धर्मेंद्र भैया आप यूं ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, इसको दो साल बाद बेच के BMW लो और मर्सिडीज लो। अरे इसको भी बेचे वो लेंगे, गलत बोल गया, चलेंगे ये हम चला लेंगे, आप मर्सिडीज लो। ठीक है जल्दी जल्दी मर्सिडीज आए मतलब। तो ये सचिन सर है, इन्हीं के थ्रू हमें मतलब सारी चीजें हुई है, सारा कोऑर्डिनेशन इनसे ही हुआ है। और सर आज धर्मेंद्र सर गाड़ी ले रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा धर्मेंद्र भैया को, स्पेशली इसलिए कि एक गांव के व्यक्ति ने एक अच्छा आज मुकाम हासिल किया है। मुझे खुशी है क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, और ऐसे ही आप साल दर साल तरक्की करते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धर्मेंद्र भैया के हम गाड़ी दी रहे हैं, और हमारे बहुत दिल से बहुत बहुत बधाई है धर्मेंद्र भैया के, कि भी ऐसे ही तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे, दिल से खुशी। तो विपिन भैया आप धर्मेंद्र भैया को आज क्या बोलना चाहते हैं? धर्मेंद्र भैया को यही बोलना चाहता हूँ, जरा फ्री हो जाए 5 मिनट, जरा तरक्की करो। धर्मेंद्र यही बोलना चाहते हैं कि आज ये लिए वो पीछे खड़ी अभी जो इनकी लाज अगले साल वो उठा जो बुक कर दे, बस इतनी तरक्की करते रहे हमारे धर्मेंद्र भैया, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी है। नई गाड़ी की ये सारे भाई लोग हैं, इन सबने गाड़ी को भी सजाया है और पूरा बहुत अच्छा डेकोरेशन किया। एक बार सब जोर से बोलेंगे हाँ बोलना, ठीक है 1 2 3 हाँ। देखो मेरी तरफ से गाड़ी गिफ्ट, हाँ और 3 मिलियन पे मर्सिडीज। चलो ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम ब्रह्मा ओम कार, जय श्री महाकाल राजा की जय। कैसी लगी वीडियो? अरे वीडियो नहीं गाड़ी कैसी लगी? अच्छी लगी है?
सबसे बड़ी गाड़ी में ले कहीं ना कहीं के यार बोलो लीजिए कहीं कहेगी ये देख रहे हैं इन सबकी वजह से गाड़ी वाड़ी और मैं भी यहाँ के जी गई हुई वजह से यहाँ आए तू सबसे बड़े गाड़ी आई गाड़ी से बढ़ के गिफ्ट तू है ठीक तो लोग उठो उठो मोबाइल दे दो भैया तुम्हारे खड़े हो जाए अब रात ज्यादा हो गई सो जाए बिल्कुल थक गया है गुड नाइट एक बात धर्मेंद्र भैया कहते बोलो आप छुटते बैठ जाना पीछे साइड। तो यो मेरी जिंदगी को एक सबसे बड़ो कई बहुत बड़ो कभी सपना में भी नहीं सोची थी मैंने कि मैं गाड़ी भी ले लूँगा और वो सपनों साकार हुआ तुम सबकी वजह से सबने मैं इतनो सम्मान दियो इतनो प्यार दियो इतनो पसंद करियो कि मतलब मैं तुमसे कभी भी मिलूं तो मैं ऐसो नहीं लगे कि मैं मतलब यार और कोई से मिल रही हूं मैं ऐसो लगे कि यार ये अपना ही है या मैं मेरे घर का ही सदस्य है मैं ऐसो लगे मतलब कभी भी मैं तुम सबसे मिलूं तो बहुत अच्छो लगे और आज यहां तक जो भी ये मुकाम पे है तुम सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही है और मैं कोशिश करूंगा और आगे जाने की और आप सबको आशीर्वाद चाहिए बस ठीक है कई कू कहने के लिए कई शब्द नहीं है थैंक यू आई लव यू आप सभी को।